हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष सिंह लाइव क्लासेज में। आज की क्लास में हम एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोलोस्टोमी। आपने बैनर देख लिया होगा तो कोलोस्टोमी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऐसा क्वेश्चन बनेंगे आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। एंड जो आज का टॉपिक होगा आपको यहाँ से कोई डाउट्स नहीं होगा, जो आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, कंटिन्यू देखना है, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट आएगा। आपके जीआईटी का पार्ट भी आएगा जिसको हम शुरू में ही समझ लेंगे। जीआईटी का जो एनाटॉमी पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है एंड कोलोस्टोमी होती क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट को आपका सबसे पहले तो जो आपका नोरसेट का एग्जाम है उसका डेट एक्सटेंड हो गया है तो आपके लिए काफ़ी हैप्पी न्यूज़ है। आपको 7 डेज फिर से मिले हैं प्रिपरेशन के अंदर, आपको बूस्ट करना है। सो जो भी हमारी तरफ से आपके क्वेश्चन क्लासेज भी कंडक्ट कर देंगे, आपकी इवनिंग के अंदर जो क्वेश्चन क्लासेज होंगी वो आपकी हर एक सब्जेक्ट की होंगी, कॉम्बिनेशन में होंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्लासेज भी हम अलग से कर देंगे। ये अपना जो बेसिक जो पोर्शन चल रहा है, अपने सब्जेक्ट वाइज क्लासेज चल रही हैं वो क्लासेज हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं हम क्लासेज को कोलोस्टोमी के बारे में। तो कोलोस्टोमी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से डेली हमसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अभी जो वेपर की साइज़ क्या होती है कोलोस्टोमी से, जो कम्बाइंड एम्स था वहाँ पर क्वेश्चन आया था। एंड यहाँ से जो इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप की कोलोस्टोमी होती है, जिसके अंदर जो आपकी परमानेंट कोलोस्टोमी होती है वहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है एम्स के अंदर। तो ध्यान से सुनिएगा कोलोस्टोमी होती क्या है, अभी पूरा समझ आ जाएगा आपको। दो वर्ड यहाँ पर लिखे हैं मैंने, कोलोन एंड स्टोमी, ठीक है। तो देखिएगा कोलो एंड स्टोमी ये दो वर्ड्स हैं आपके पास में। तो कोलोन का मतलब क्या होता है आपको पता होता है, कोलोन क्या है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को ही हम क्या कहते हैं, कोलोन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आपने नाम सुना होगा कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है ना। कोलोरेक्टल कैंसर मैलिग्नेंसी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज कोलोरेक्टल कैंसर। उसी तरीके से स्टोमी का जो मतलब होता है तो वो होता है आपका ओपनिंग, ओपनिंग है आपका स्टोमी का मतलब होता है। तो ये आपके सामने जनरली टर्म्स आते हैं, ओपनिंग, इक्टोमी, टोमी, ये सब कुछ वर्ड्स आते हैं। तो ऑस्टोमी का मतलब होता है, स्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग बना दिया आपने। किसमें बनाई है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपने एक ओपनिंग क्रिएट की है। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन होती है आप ये ध्यान में देखना, तो आर्टिफिशियल ओपनिंग, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल वर्ड में लिखेंगे आर्टिफिशियल ओपनिंग कर रहे हैं आप, आर्टिफिशियल ओपनिंग इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन किसके थ्रू कर रहे हैं, थ्रू द एब्डोमिनल वाल। देखिएगा सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, आपके सामने भी डायग्राम आएगा लार्ज इंटेस्टाइन का। तो उसके अंदर आपने आर्टिफिशियल ओपनिंग की है, कहां पे की है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर की है। किसके थ्रू की है, एब्डोमिनल वाल के थ्रू की है। जो आपका ये जो एब्डोमिनल वाल एरिया है, सबसे पहले तो आप इस कैविटी को 9 क्वाड्रेंट में बांटते हैं कैविटी को, ठीक है। सो इस कैविटी के अंदर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिचुएटेड रहता है, उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे आपकी कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान से सुनना, कोलोस्टोमी कि एक आप क्या करते हैं, आप एक आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट किया आपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, से हम क्या कहते हैं, कोलोस्टोमी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम थोड़ी देर में भी टाइप पढ़ेंगे तो हम क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा। तो जनरली क्या होता है कि आप सुनते होंगे कि जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कॉन्स डिजीज, ठीक है, दूसरा आपका कोलोरेक्टल कैंसर हो गया, कोई इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ऐसे कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उस स्टूल पास आउट करने के अंदर पेशेंट को डिफिकल्टी होती है, तो उसको बाईपास करके आप एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं उस स्टूल को रिमूव आउट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। तो पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एलिमिनेशन ऑफ द स्टूल एंड फ्लैटस, एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ स्टूल एंड फ्लैटस। फ्लैटस क्या होती है, जो गैस होती है, ठीक है, जो गैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जब फूड का फर्मेंटेशन होने लगता है तो वहां पे गैस फॉर्मेशन होने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लैटस कहते हैं। तो फिर आपका पर्पज यहाँ पे जनरली दो पर्पज आते हैं, तो आप तो स्टूल का बाहर निकालना चाहते हो, दूसरा आप क्या करना चाहते हो, गैस निकालना चाहते हो, ठीक है। तो इंडिकेशन की बात करते हैं कि सर ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे आप कोलोस्टोमी करते हैं हम, तो इंडिकेशन को ध्यान से सुनिएगा। इंडिकेशन तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही बोला था, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया हो, ठीक है, या फिर इंटेस्टाइनल कैंसर, ध्यान से सुनिएगा, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया हो किसी पेशेंट में,
ठीक है, इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो गए हो, इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो गए हो, ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, ये लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, और एक और टर्म आता है इम्परफोरेटेड एनस, इम्परफोरेटेड एनस, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि तो ये मान लीजिए, जहाँ से मान लीजिए कोई पर्सन था, अच्छा ये आपका हिप वाला एरिया है, सिंपल समझना, हिप वाला एरिया है, तो आप यहाँ से स्टूल पास आउट करते हैं, तो मान लीजिए ओपनिंग बनी ही नहीं थी किसी पर्सन की, ओपनिंग ही नहीं थी, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड है यहाँ से, हाँ बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाइंड है, उसे हम कहते हैं इम्परफोरेटेड एनस, बना ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, है ना, तो यही होता है इम्परफोरेटेड एनस, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टल कैंसर की बात हो चुकी है, कोलोरेक्टल कैंसर, इंटेस्टाइनल ट्यूमर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड एस्ट्रक्टा, जो भी आपकी कंडीशन है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, कॉन्स डिजीज, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ये सब कंडीशन में हम कोलोस्टोमी करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ चुका है कि जो कोलोस्टोमी होती है वो आप क्यों करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, अब इसका इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कोलोस्टोमी से, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसकी एनाटोमी समझाता हूँ, देन हम मूव करेंगे इसके टाइप्स पे, ठीक है। तो सभी ध्यान से सुनना क्या आप समझना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो बनेंगे अपने, अभी आपके सामने इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपके सामने शो होगा, ठीक है ना गाइस, ध्यान से सुनिएगा। हम जीआई ट्रैक की बात करते हैं, सभी ने नाम सुना होगा जीआई ट्रैक, कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, माउथ टू एनस तक जो आपके ट्रैक होता है, जो कैविटी प्रेजेंट होती है, वो आपके क्या कहलाती है, जीआई ट्रैक कहलाती है। यहाँ पे आपकी जो एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, वो आपकी जो आपके एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, यहाँ पे आपके एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताए थे, ठीक है ना गाइस, जिसके अंदर, और जो आपकी जो मीजोडर्मल जो लेयर होती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, तो ये कौन सी जर्म लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जो आपकी एंडोडर्म होती है, मोस्ट ऑफ एंडोडर्म होती है, जो जर्म्स लेयर होती है, वो आपकी जीआई ट्रैक का फॉर्मेशन करती है। तो कौन कौन से ऑर्गन आते हैं माउथ टू एनस तक, ध्यान से सुनिएगा, माउथ टू एनस तक कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। तो आपका जो जीआई ट्रैक होता है, माउथ से शुरू होता है, कोई नोज से खाना नहीं खाता है, ठीक है। माउथ के बाद में आपका आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है। अगर इसके नीचे जस्ट मैं लैरिंग्स लिख दूं, तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू हो जाता है, लेकिन अगर मैं यहां पर इसोफेगस लिख दूं, तो आपका कौन सा शुरू हो जाता है, जीआई ट्रैक। इसोफेगस के बाद में आपका स्टोमक आ जाता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसोफेगस एंड स्टोमक के बीच के अंदर आपका एक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, जिसे कार्डियक स्पिंटर कहते हैं। कार्डियक स्पिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके जो कार्डियक हार्ट होता है, उसकी लोकेशन यहाँ प्रेजेंट होती है, तो इसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंटर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। फिर स्टोमक के बाद में आपके जो स्टोमक के पार्ट्स आपके डिवाइड होते हैं थ्री पार्ट में, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें हम जो देख रहे हैं, स्टोमक आ गया, देन स्टोमक के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर क्लासिफाई करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे के अंदर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट आता है आपका डुओडेनम, डुओडेनम, सेकेंड आ जाता है इसके अंदर आपका जेजुनम, जिसके अंदर आपके मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, एंड आता है फिर आपका लास्ट पार्ट इलियम, ठीक है, इलियम। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, देन फिर आपकी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, लार्ज इंटेस्टाइन ही तो हम देखना चाह रहे थे, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ध्यान से सुनिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, इस लेक्चर को इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट आता है आपका
देखिएगा इसको डायग्राम से समझाऊंगा मैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका सीकम, सीकम ठीक है, देन इसका जो सेकंड पार्ट आता है आपका असेंडिंग कोलोन, फिर आता है ट्रांसवर कोलोन, फिर आता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर आता है आपका सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन के पास बाद में आता है आपका रेक्टल, फिर आता है एनल कैनाल, एनल कैनाल, देन लास्ट आता है एनस, एनस ठीक है। तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जीआई ट्रैक शुरू होती है माउथ से लेके एनस तक, तो बताओ एनस आ चुका है कि नहीं आ चुका है। अब डायग्राम की सहायता से समझते हैं इस सब चीज़ों को हम, ठीक है ना, क्योंकि तभी आपको समझ आएगी कोलोस्टोमी। तो ध्यान से सुनना, डायग्राम को ध्यान से देखना, आपके सामने भी एक डायग्राम आएगा, वो कोलोस्टोमी का होगा कि कौन कौन सी साइट होती है कोलोस्टोमी की, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक बेहतरीन टॉपिक है, देखिएगा। तो ये क्या है आपका ईसोफेगस, ये आपका स्टोमक, ठीक है, ये आपका स्टोमक आ गया, देन फिर आपका आ जाता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है गाइस, ओके, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, देन यहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, देन यहाँ पे एक वाल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं इल्यूसिकल वाल, देन फिर ये आपकी शुरू हो जाती है क्या, देन फिर आपकी शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। जी स्टोमक थोड़ा अबव होता है, स्टोमक थोड़ा अबव होता है, मैं इसको नीचे बना देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है ना गाइस, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना सभी, इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्या लार्ज इंटेस्टाइन, ओके, देन फिर यहाँ पे आ जाता आपका सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने क्यों बनाया इस तरीके से, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सिग्मोइड कोलोन कैसा क्यों बनाया है, क्योंकि क्या होता है, तो ये आपका हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड यहाँ से शुरू होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है गाइस। तो देखो अभी इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये आपकी कैविटी स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको मतलब किससे है, तो देखिएगा मैं समझाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे प्लेस जो आपकी जो कोलोस्टोमी होती है उसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलोस्टोमी अपनी हेडिंग रहेगी, इसको इधर लिख देता हूँ, वहाँ पर डायग्राम आएगा, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं आपके अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लेना, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कोलोस्टोमी का हम टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिएगा ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका पार्ट आता है, इस पार्ट को हम कहते हैं डियोडिनम, जो ये पार्ट दिख रहा है आपको इसमें हम कहते हैं डियोडिनम, फिर ये पार्ट आता है आपका जेजुनम, एंड जो ये पार्ट आता है इसे हम कहते हैं ईलियम, ठीक है। तो ईलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जो कनेक्शन होता है, वहाँ पे जो एक वाल प्रेजेंट होता है इल्यूसिकल वाल, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ से फ्लूइड ट्रेवल करने के बाद इसको फर्दर बैक जाने से प्रिवेंट करता है, इस वाल का यही फंक्शन है। तो यहाँ से आपका फूड, मतलब कि आपके न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होंगे इस पार्ट के अंदर, फिर ये फूड ट्रेवल करता हुआ आपके इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, एंड ये यहाँ से होते हुए यहाँ पर टेम्परली रिजर्वायर होता था आपके किसके अंदर, यहाँ पे रिजर्वायर होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, सिग्मोइड कोलोन। तो मैं अब इसका सेपरेट डायग्राम बना रहा हूँ अपने को, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोलोस्टोमी, यहाँ पे अगर आप स्टोमा परफॉर्म करते हो इस जगह पे, तो इसे हम कहते हैं इलियोस्टोमी, यही डिफरेंस है कोलोस्टोमी एंड इलियोस्टोमी में, कि अगर आप इलियोसिकल जंक्शन पे आप यहाँ पे अगर स्टोमा परफॉर्म करते हो, स्टूल को रिमूव करने के लिए, तो हम कहते हैं इलियोस्टोमी, अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टोमा परफॉर्म कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं कोलोस्टोमी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं कोलोस्टोमी के बारे में, आई होप सभी को समझ आया होगा यहाँ तक। तो ध्यान से सुनिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं अपनी
कोलोस्टोमी के बारे के अंदर। कोलोस्टोमी ठीक है ना गाइस, बेहतरीन डायग्राम बना है, समझ आ जाएगा इस बार ठीक है। और जो डायग्राम बनाया था वो ये समझ लीजिए, ये लीजिए ओके, अब तो आपको समझ आ गया होगा ठीक है। एंड ये आपका था यहाँ पे अपेंडिक्स, और यहाँ पे क्या है आपका इल्यूसिकल जंक्शन ठीक है, येलो। अब आ जाएगा आपको समझ में मैं जो बताना चाहता हूँ। तो डायग्राम पे भी कॉन्सेंट्रेट करना, वहाँ पे जो आपको दिख रहा है डायग्राम पे भी कॉन्सेंट्रेट करना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर कोलोन, इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, इसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो जनरली आपके इस क्लासिफिकेशन के अंदर इसी बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं कोलोस्टोमी के प्लेसमेंट के बारे में। मान लीजिए, सपोज कीजिएगा, अगर किसी पर्सन के अंदर यहाँ पे स्टोमक क्रिएट करो आप ठीक है, यहाँ पे स्टोमक क्रिएट करो आप राइट साइड में, ये क्या है आपका राइट साइड एंड ये क्या है आपका लेफ्ट साइड ठीक है। किसी पर्सन में आप राइट साइड के अंदर अगर स्टोमा परफॉर्म करते हो तो उस पर्सन के अंदर जो कोलोस्टोमी का हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे राइट कोलोस्टोमी, या फिर असेंडिंग पार्ट जिसके अंदर हुए तो उसे हम बोलते हैं वेट कोलोस्टोमी। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ। मैं फर्स्ट आता है आपका वेट कोलोस्टोमी, क्लासिफिकेशन के अंदर फर्स्ट आता है आपका वेट कोलोस्टोमी। अगर आप स्टोमा क्रिएट कर रहे हो असेंडिंग कोलोन के अंदर तो उसे हम कहते हैं वेट कोलोस्टोमी। इसको वेट क्यों बोला है, क्योंकि मान लीजिए आपके जितने भी सारे न्यूट्रिएंट थे वो तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो गए, लेकिन अब जो बचा है आपका वाटर, वाटर का अब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है यहाँ पे इलियम पार्ट से, तो यहाँ से आपका फूड ट्रेवल करेगा आपके, तो फूड ट्रेवल करेगा मतलब कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना अभी शुरू ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप स्टोन निकालोगे तो लिक्विड मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे जो को स्टूल की जो क्वालिटी बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको स्टूल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, यहाँ पे आपको जो स्टूल मिलता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में मिलता है, एंड यहाँ पे जो आपको स्टूल मिलता है वो आपको मिलता है सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म ठीक है। ये आपकी स्टूल की क्वालिटी ठीक है, कि आपको स्टूल कैसा मिलेगा कौन से साइड पर अगर आप स्टोमा परफॉर्म करोगे तो। तो मान लीजिए यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन शुरू हुआ, फिर यहाँ पे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हुआ, अरे कम्प्लीटली अब्जॉर्प्शन हो गया, फिर बाद में आपका वेस्ट मटेरियल बाहर कर दिया गया ठीक है ना ओके। तो वेट कोलोस्टोमी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेट कोलोस्टोमी होती है जो आपकी। तो यहाँ से अब मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर स्टूल कैसा मिलता है, तो यहाँ से स्टूल कैसा मिलेगा बताओ सभी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा ठीक है सर, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। और दूसरा क्या होता है, ये जो कोलोस्टोमी होती है इसका दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी कोलोस्टोमी। टेम्पररी कोलोस्टोमी किसी पर्सन के अंदर थोड़े टाइम के लिए अगर आपको कोलोस्टोमी करनी है तो उसमें वो करते हैं हम आपकी राइट साइड कोलोस्टोमी। इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं राइट साइडेड कोलोस्टोमी, राइट साइडेड कोलोस्टोमी, सब इसी के नाम है। कितने टेम्परेरी मतलब टाइम कितना होता है, 6 to 8 weeks के लिए अगर आपको कोलोस्टोमी करनी है तो आप कौन सी करते हो, टेम्पररी कोलोस्टोमी ठीक है ना। एंड कहाँ करते हो, असेंडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर करते हो। तो ये आपका वेट कोलोस्टोमी का क्लासिफिकेशन आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी ठीक है ना। तो लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी आप डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे कोलोस्टोमी परफॉर्म करते हो उसे हम कहते हैं राइट साइड, यहाँ पे परफॉर्म करते हो इसे हम कहते हैं आपकी ट्रांसफर वाली ठीक है, एंड यहाँ पे करते हो तो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, यहाँ पे करते हो अगर आप कोलोस्टोमी परफॉर्म तो उसे हम कहते हैं सिग्मोइडल कोलोस्टोमी ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी, जिससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगा आपको, नाम सुना होगा सभी ने हार्टमान प्रोसीजर क्या होता है, हार्टमान प्रोसीजर क्या होता है। अगर इसको काट के आप बॉडी कैविटी से, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे क्या था ऑब्स्ट्रक्शन था, आपने इसको यहाँ से काटा एंड इसको आपने इस पार्ट को बॉडी पार्ट से अटैच कर दी, यहाँ पे आपने स्टोमक क्रिएट कर दिया,
ये क्या है, एब्डोमिनल वाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे डाइवर्ट कर देते हो इस पाथवे को, इसी को हम कहते हैं हार्टमान प्रोसीजर, ठीक है। हार्टमान प्रोसीजर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्टमान प्रोसीजर कौन से टाइप के कोलेस्ट्रॉल में करते हैं, तो आपको क्या आंसर करना है, जो आपकी असेंडिंग पार्ट सॉरी डिसेंडिंग पार्ट होता है वहाँ पे आप करते हो हार्टमान कोलोस्टोमी, ठीक है गाइस, हार्टमान कोलोस्टोमी। अब आ जाइए हम शुरू करते हैं, आपका सेकंड टाइप होता है जिसे हम कहते हैं ड्राई कोलोस्टोमी, लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी या फिर वेट कोलोस्टोमी। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर इसको हटा देंगे। अगर आप तो देखो जो अब अपना टाइप आता है नेक्स्ट आता है लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी, तो ये लेफ्ट साइड है कि नहीं है, लेफ्ट साइड है। एंड मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी की, सिग्मोइड कोलोन होती है। पूछ रहे ये भी ना पूछ के देखे रखा हो तो क्या लिखोगे आप, डिसेंडिंग कोलोन में होती है। यहाँ पे जो स्टूल का जो स्टूल आपको रिसीव होगा वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉरी लिक्विड, ये सॉफ्ट एंड फॉर्म फॉर्म में रिसीव होगा यहाँ से, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको हम परमानेंट कोलोस्टोमी भी कहते हैं और इसको हम लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी भी कहते हैं। तो ये आपकी किससे बातें हैं, लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी से। देखिएगा ध्यान से सुनना सभी, हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप लेफ्ट साइड कोलोस्टोमी, ठीक है, आल्सो नोन एज ड्राई कोलोस्टोमी, आल्सो नोन एज ड्राई कोलोस्टोमी, ठीक है, और आल्सो नोन एज परमानेंट कोलोस्टोमी, परमानेंट कोलोस्टोमी भी इसे कहते हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना, लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी किसे कहते हैं, परमानेंट कोलोस्टोमी, ड्राई कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये सब इसके नाम हैं, एक और नाम होता है एंड कोलोस्टोमी, इसके बाद आप कोलोस्टोमी परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके ये सारे नाम एक ही टाइप के हैं, ठीक है। कहाँ करते हो, परफॉर्म्ड इन सिग्मोइड कोलोन में करते हो, ठीक है ना गाइस, इंपॉर्टेंट साइट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना सिग्मोइड कोलोन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी पूछेगा एग्जामिनर, सिग्मोइड कोलोन को कीजिएगा आपको राइट आंसर, ठीक है ना। और यहाँ से जो स्टूल आपको रिसीव होता है वो कौन सा होता है, तो आप कीजिएगा सॉफ्ट फॉर्म में आपको स्टूल यहाँ से रिसीव होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपके, तो आपको ये सब नोट कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गया होगा सभी को। डायग्राम में भी देख सकते हो आप, सिग्मोइड कोलोन दिखा रखा है आपको जिसके अंदर आप कोलोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हो, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है कोलोस्टोमी की, वो होती है आपकी सिग्मोइड कोलोन, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसके अंदर फर्दर मूव करते हैं, आपका प्रोसीजर करने जा रहे हो आप, तो आपने क्या क्या डिस्कस कर लिया, डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, पर्पज समझ आ गया सभी को, इंडिकेशन समझ में आ गया सभी को, ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ आ चुका है। अब हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोसीजर पे, प्रोसीजर, ठीक है ना गाइस, ध्यान से सुनिएगा प्रोसीजर। तो यहां से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्रोसीजर। क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो आप, अगर ऑनलाइन रहते हो तो अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके वहाँ पे शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। एंड अगर कोई डाउट रहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है एंड क्लासेज का लिंक है, किसी को क्लासेज नहीं मिलती है अगर आप, तो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट, वीडियो के होम वीडियो एंड प्लेलिस्ट, ये आपके टॉप पे लिखा आता है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो में जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, अदर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो प्रोसीजर ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा, ये कॉम्बो होता है प्रोसीजर का, कुछ स्टार्टिंग होता है जिसके अंदर हर के अंदर यूनिवर्सल होता है एक प्रोसीजर के अंदर, वो आपको क्या करना होता है, एंड वही सब बातें हम हर एक प्रोसीजर के अंदर बोलेंगे आपको प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप प्री ऑपरेटिव क्या करते हो, काफ़ी नाम सुना होगा सभी ने, प्री ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली,
तो प्री ऑपरेटिव मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन है वो मतलब कि जो सर्जरी के लिए जाना चाहता है, सर्जरी के लिए आप उससे पहले क्या क्या प्रिपेयर करते हो। तो यहाँ पे आपको कोलोस्टोमी करनी है, तो आप यहाँ पे क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, तो फर्स्ट आता है आपको कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर आप कोलोस्टोमी करने जा रहे हो, जिसके अंदर आपकी मोस्ट कॉमन होती है, आपकी क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी, आपको राइट आंसर करना है लेफ्ट साइडेड कोलोस्टोमी एंड सिग्मोइड कोलन, ठीक है, ये आपके वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको करना है सबसे पहले इंटेस्टाइन को आपको प्रिपेयर करना है कोई भी सर्जरी करने से पहले, तो आप पर्सन को 2 to 3 days पहले आप बोलोगे कि आपको क्या करना है, लो फाइबर डाइट लेनी है, ठीक है ना, आपको हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है, लो फाइबर डाइट आपको और हाई फाइबर डाइट अवॉइड करनी है पर्सन को, मतलब कि लो फाइबर डाइट कंज्यूम करनी है। तो आप कह सकते हो अवॉइड हाई फाइबर डाइट। तो मैं आपको यहाँ पे दो बातें समझाना चाहता हूँ, लो फाइबर डाइट एंड हाई फाइबर डाइट क्या होती है, ठीक है। लो फाइबर डाइट में जो आपकी ग्लूटेन प्रोटीन होती है उसका बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जबकि हाई फाइबर डाइट के अंदर भी ग्लूटेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। लो फाइबर डाइट होती है वो आपके कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, जबकि आपके हाई फाइबर डाइट्स होती है वो आपके डायरिया कोज करती है, ठीक है, ये आपके डायरिया कोज करती है, मतलब कि इंक्रीज बल्क फॉर्मेशन, मतलब कि स्टूल का ज़्यादा फॉर्मेशन कौन सी करती है, हाई फाइबर डाइट्स करती हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है आप उनसे कौन सी डाइट प्रोवाइड करोगे, एग्जाम का क्वेश्चन है, हाई फाइबर डाइट देते हैं। अगर पर्सन के अंदर डायरिया होता है कौन सी डाइट दोगे आप, तो लो फाइबर डाइट देते हैं। तो इतना समझ आ चुका होगा कि ये पर्सन है जिसके अंदर आप कोलोस्टोमी करोगे तो आप उसके अंदर डायरिया के अंदर तो कर नहीं सकते हो, तो पर्सन को आपको क्या करना है वहाँ पे हाई फाइबर डाइट को अवॉइड करना है, ठीक है ना। आप हाई फाइबर डाइट्स को अवॉइड करोगे, फिर आपको क्या करना है यहाँ पे बावल को प्रिपेयर करना है, क्या क्या दोगे, लैक्सेटिव दे सकते हो एंड एनिमा दे सकते हो। एनिमा के अपन एक सेपरेट क्लास लेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आप एनिमा यूज करते हो सलाइन एनिमा यूज करते हो, ठीक है ना, सलाइन एनिमा यूज करते हो आप यहाँ पे इस पर्सन के अंदर। तो सलाइन एनिमा क्या करता है, आपकी बावल को क्लीन कर देता है। देन आप पर्सन को 6 to 8 hours से पहले, बिफोर 6 to 8 hours आपको क्या करना है, पर्सन को एनपीओ रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। एंड आपको क्या करनी है, पर्सन को एंटीबायोटिक भी देनी है, एंटीबायोटिक पर्सन को देनी है, क्यों देनी है, ताकि जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी वहाँ पर कोई इन्फेक्शन कोज ना करें, इसलिए आपको क्या करनी है, एंटीबायोटिक भी पर्सन को प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये सब आप प्री ऑपरेटिवली कर ले हो। दूसरा, फिर आप मान लीजिए आपने पर्सन को बोला, तो ये सब करने से पहले आपको क्या करना है, कुछ यूनिवर्सल पॉइंट होते हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले किसी पर्सन को कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले क्या करते हैं, राइट आइडेंटिफिकेशन, राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। ये आप राइट आइडेंटिफिकेशन करने का एक मेथड होता है, तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि राइट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है पर्सन को, तो ऑलवेज ध्यान रखना पर्सन का जो रिस्ट आईडी बैंड होता है, रिस्ट आईडी बैंड होता है वो आपके क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। रिस्ट आईडी बैंड से आप पर्सन को आइडेंटिफाई करते हो। फिर दूसरा आता है, आपने पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप पर्सन को क्या करो, एक्सप्लेन प्रोसीजर करो। अब यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्रावर्सी रहती है, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि प्रोसीजर एक्सप्लेन कौन करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए इन्वेजिव प्रोसीजर है या किसी पर्सन की सर्जरी हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर प्रोसीजर जो एक्सप्लेन करता है वो करता है आपका डॉक्टर, ठीक है, पेशेंट को। अगर सर्जरी नॉन इन्वेजिव है, वाइटल साइंस लेने जा रही हो, फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रही हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोसीजर एक्सप्लेन करती है वो आपकी करती है नर्स, ठीक है, नर्स यहाँ पर प्रोसीजर एक्सप्लेन करने का काम करेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ये इन डाउट्स रहता है स्टूडेंट को, ये समझ में नहीं आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो सर मान लीजिए डॉक्टर प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, कोई पर्सन सर्जरी के लिए जा रहा है, तो नर्स क्या करेगी उस कंडीशन के अंदर, जो नर्स होती है वो आपकी पर्सन की जो एंग्जाइटी होती है उसको कम करने का काम करती है, एंग्जाइटी को कम करती है, ठीक है गाइस, एंग्जाइटी को कौन कम करती है, आपकी नर्स करती है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कंसल्ट कलेक्ट करेगी, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया तो उसके बाद में क्या करना है, कंसल्ट कलेक्ट करना है,
आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ होने के वाला, तो आप कंसेंट लिख के दोगे, कर लो, समझ आ गया पर्सन को कि हाँ मेरे साथ कोलोस्टोमी होने वाली है, आपने समझा दिया उसे। देन इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आप यहाँ बनता है, आपको क्या करना है, उसके बाद पर्सन को कलेक्ट कंसेंट करना है, ठीक है, यूनिवर्सल पॉइंट है, कलेक्ट कंसेंट। तो कंसेंट कौन कलेक्ट करता है, तो सबसे पहले ये रिलेशन बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, जो पेशेंट एंड डॉक्टर होता है उसके बीच का रिलेशन होता है। अगर बच्चा लेस देन 18 ईयर है तो कंसेंट कलेक्ट कौन करता है, कंसेंट कौन देते हैं, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो कंसेंट देते हैं, ध्यान रखना इस बात का, लेस देन 18 ईयर कंसेंट कौन देता है, जो माता पिता होते हैं वो कंसेंट देते हैं, आफ्टर 18 ईयर्स कौन देता है, तो जो पेशेंट सेल्फ होता है वो अपना कंसेंट दे सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इनके नीचे नहीं लिख रहा हूँ, तो आपको इन चीज़ों के बगल में ही लिख रहा है इन सब चीज़ों को। देन आपने कंसेंट भी कलेक्ट कर लिया सर, फिर इसके बाद क्या करोगे, पर्सन को आपने बिल्कुल रेडी कर रखा है सब चीज़ें देके, अब आपको क्या करना है, पर्सन की जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, उसको प्रिपेयर करना है। तो आपको क्या करना है, पर्सन का बॉडी पार्ट प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर बॉडी पार्ट, जिस टाइप की आपको यहाँ पे कोलोस्टोमी करनी है उसको आप रेडी कीजिए। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है, लेफ्ट साइडेड, तो उसको क्लीन करना, जो साइड होती है, अब साइड के बारे में ध्यान से सुनिएगा सभी, उसी के आगे तो साइट, जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप वेट वाली कर रहे हो या फिर आप लेफ्ट वाली कर रहे हो, कोई सी भी, डॉक्टर की चॉइस होती है। देन आपको क्लीन करना है साइट को, आप क्या यूज करोगे, 7.5% क्या लोगे, बीटाडीन लोगे, ठीक है, आपने क्या ले लिया, बीटाडीन ले लिया 7.5%, कहां से लेके कहां तक क्लीन करना है, निप्पल टू थाई तक क्लीन करना है, कब क्लीन करना है, 30 मिनट, सर्जरी करने के 30 मिनट पहले आपको साइट को क्लीन करना है। ऑल क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, तो ध्यान से देखिएगा साइट कौन सी है वो आप चूज कर लोगे, क्लीन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निप्पल तो ठाई तक क्लीन कर दे, कितनी देर पहले करना है, 30 मिनट पहले क्लीन करना है। अब आता है आपका नेक्स्ट वाला, आपने सर साइट को क्लीन कर दिया, अब आप क्या करोगे, ऐसे तो नहीं है डायरेक्ट वहाँ पर प्रोसीजर करना शुरू कर दोगे, एनेस्थीसिया टीम को बुलाइए, वो उसको एनेस्थीसिया देंगे। अब एनेस्थीसिया कौन सा यूज करते हैं, बिल्कुल सिक्वेंस वाइज चलते जाइए, लाइन टू लाइन जोड़ते चलिए, समझ आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो आप एनेस्थीसिया देते हो वो यहाँ पे आप जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर कि कोलोस्टोमी में कौन से टाइप का एनेस्थीसिया यूज किया जाता है, लोकल या जनरल, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, लोकल या जनरल, तो आप बोलोगे कि सर जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहा है जिसके अंदर पर्सन की इंटेस्टाइन अफेक्ट की हो रही है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया जिसके अंदर जनरल एनेस्थीसिया में आता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, आपका इनहेलेशन रूट से दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। नाइट्रस ऑक्साइड आपने दे दिया पर्सन को, अब आप यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपने प्लान पर कर रखी है, प्री प्लान कर रखी है। सर आपने सर्जरी परफॉर्म कर दी, पर्सन में स्टोमा भी क्रिएट कर दिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट आता है, तो आपको क्या करना है, पर्सन के अंदर कोलोस्टोमी की केयर करनी है, कोलोस्टोमी केयर करनी है। तो कोलोस्टोमी केयर करने के लिए आपको क्या क्या करना है, मान लीजिए ये किसी पर्सन की एब्डोमिनल कैविटी थी, आपने पर्सन को यहाँ पे स्टोमा क्रिएट कर दिया, अब स्टोमा के आपने ये मान लीजिए ये जैसे कि ये हम बनाते हैं ऐसे, तो आपने ये वाला बना दिया ऐसे, ये आपने क्या किया स्टोमा इस तरीके से परफॉर्म कर दिया, अब आपकी यहाँ पे क्या स्टोमा है, यहाँ पे स्टोमा क्या है, ओपनिंग है, ठीक है, तो अब इसकी केयर भी तो करनी जरूरी है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है यार, स्टूल आता है, एक वेस्ट मटेरियल है, हाँ, तो उसको आपको क्या करनी है, केयर करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा केयर के बारे में क्या क्या करते हैं, तो केयर करने के लिए आप दो टाइप के सॉल्यूशन यूज करते हो, एक तो आता है आपका पेट्रोलियम जेली,
पेट्रोलियम जेली एंड सेकंड सॉल्यूशन आता है वो होता है आपका 1% जिंक ऑक्साइड। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एंकलैक्स में ओनली पेट्रोलियम जेली दे रखा है, ठीक है, एंकलैक्स में ओनली पेट्रोलियम जेली दे रखा है, तो आपको दोनों सॉल्यूशन ध्यान रखने हैं। अगर आ जाइए आपके एग्जाम के अंदर तो आपको पेट्रोलियम जेली एंड 1% जिंक ऑक्साइड बोथ आर यूज इन कोलोस्टोमी केयर। तो ये करते क्या है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, जो आपने स्टोमा क्रिएट किया है उस स्टोमा के ऊपर इन्हें क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है एंड ये आपके स्टोमा की जो उसको क्लीन करने के काम में आते हैं। तो ये दोनों आपके जो स्टोमा होता है उसको क्लीन करने के काम में आता है, वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाता है, प्लेस किया जाता है। तो इनका जो एडवांटेजेस क्या होता है, इन जो आपने जो लगाए यहाँ पे सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पेट्रोलियम जेली या फिर 1% जिंक ऑक्साइड, ADVANTAGE मतलब कि एडवांटेज, आप इसके क्या क्या उपयोगिता है, तो एडवांटेज ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा, वहाँ पे क्लीन रखेगा, स्टोमा को मॉइस्ट रखेगा, ड्राई होने नहीं देगा एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। तो क्या करता है, इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ, इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा सभी, इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, मेंटेन या ऐसे लिखो इसे, स्टोमा को क्या करेगा यहां पे, आपको स्टोमा को सॉफ्ट रखेगा, ड्राई एंड सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि मोस्ट में तो आपके बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, सॉफ्ट एंड ड्राई किसको रखेगा, स्टोमा को रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ध्यान रखिएगा। एंड देन आता है प्रिवेंट स्किन इरिटेशन से, स्किन इरिटेशन से कैसे प्रिवेंट करते हैं, जो HCl होता है वो उसको इरिटेट कर सकता है, आपके जो स्टोमा बनाया है तो उसको इरिटेट कर सकता है, तो उससे इरिटेशन के लिए भी, तो आप यहाँ पे इन्फेक्शन से बचाने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ किस चीज से प्रिवेंट कर सकते हो, तो आप प्रिवेंट कर सकते हो इन दोनों सॉल्यूशन से, ठीक है गाइस। देन अब आता है आपका, सर हमें ये समझ आ चुका है पर्सन को कोलोस्टोमी हो चुकी है, तो अब उसको हम, ऐसा तो है नहीं वो खुला ही रहेगा, हाँ, क्योंकि अब पर्सन को कभी तो स्टूल पास आउट करना होगा उससे, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आपको क्या करना है, कोलोस्टोमी बैग एंड वेपर अप्लाई करना है वहाँ पे। ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो आपको क्या करना है, कवर द स्टोमा बाय द वेफर। अब आपको वेफर दिख रहा होगा, डायग्राम देखिएगा ध्यान से, कवर द स्टोमा बाय द वेफर, तो आपको इस तरीके से एक इतना छोटा सा डायग्राम दिखेगा जिसके अंदर इस तरीके की एक रिंग बनी होती है, तो आपने स्टोमा बनाया वो भी तो इसी तरीके है राउंड शेप में, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक एडेसिव जैसे मतलब एक सॉल्यूशन लगा होता है जो चिपक जाता है पर्सन की बॉडी से, तो इसको इस पर्सन के बॉडी पार्ट पे अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे पर्सन को क्या था, ओपनिंग थी, तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो ऐसे, ठीक है गाइस, आपने अप्लाई कर दिया, ओके। अब आपको क्या करना है, वहाँ पे बैग अटैच करना है, कौन सा बैग, कोलोस्टोमी बैग अटैच करना है, डायग्राम में देख सकते हो, तो बैग को क्या करना है, जो ये वेपर है इसी के ऊपर इस बैग को अप्लाई किया जाता है इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर भी रिंग प्रेजेंट होती है, तो ये ऐसे आपका बैग अटैच होता है इस पर्सन के बॉडी पार्ट से। तो आपका जो वेपर होता है इसकी साइज कितनी होती है, डेली इसमें आ चुकी है 1/8 inch आ चुके हैं डेली इम्स के अंदर, ठीक है, इसकी साइज कितनी होती है, तो 1/8 inch होती है जो इसकी साइज होती है, तो आपको इसको नोट करना है गाइस साइज को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा एग्जाम में इसकी साइज कितनी होती है वेपर की, तो आपको क्या करना है, 1/8 inch, और ये किससे ज़्यादा होती है, जो आपका जो स्टोमा है इससे थोड़ा बड़ा होता है ये, ठीक है ना, ताकि इसको कवर कर ले। अब आपने क्या कर दिया सर, इसके साथ आपने क्या कर दिया, कोलोस्टोमी बैग भी अटैच कर दिया, तो लिख लीजिए अटैच कोलोस्टोमी बैग, ठीक है, कोलोस्टोमी बैग आपका अटैच हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कोलोस्टोमी बैग अटैच करने के बाद आपको उस दौरान देखना है कि उस पर्सन के अंदर की फाइंडिंग क्या क्या देखने को मिलेंगी,
तो उस दौरान अब एक बात बताइए मुझे, कोई पर्सन है आपने उसके बॉडी के ऊपर एक ओपनिंग बना दी है तो वो अच्छा लगेगा क्या? उसे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो ऐसे पर्सन यूनिवर्सल है, ऐसी जगह जहाँ पे किसी पर्सन की बॉडी में डिस्टर्ब होती है उसको आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो आपने स्टोमा बनाया है उसके जो कलर होते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, कौन सी कंडीशन में प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टॉपिक का सबसे जो जानदार टॉपिक बनेगा कि यहाँ से बनेगा स्टोमा के कलर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्टोमा के कलर देखना है। एक चीज और है कि जो ये जो कोलोस्टोमी बैग है उसके बारे में सुन लीजिएगा, कोलोस्टोमी बैग की कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 ml। एम्प्टी कितने पे करना है इसको, जब ये 1/3 फिल हो जाए तो इसको आपको खाली करना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जब ये 1/3 फिलअप हो जाए तो आपको क्या करना है, इसे एम्प्टी करना है। ये हम पढ़ेंगे कोलोस्टोम इरिगेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना गाइस। कोलोस्टोम इरिगेशन अपना नेक्स्ट क्लास होगा इसके बाद में, तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं क्या, कोलोस्टोमा के कलर डेलियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एंकलैक्स में इतना नहीं दे रखा है तो आपके उसके भरोसे मत रहना कि एंकलैक्स से आप पढ़ लोगे, उसमें नहीं दे रखा है, ठीक है ना। और किसी को देखना है तो आप देखिएगा, जो GI सिस्टम है उसके अंदर आपका जो अल्सरेट इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कौन सा डिजीज़ है उसके अंदर आपको मिल जाएगा, एक पैराग्राफ है उसके जस्ट बैक साइड में, तो आपको वहाँ पर इरीगेशन में मिल जाएगा एंड केयर में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टोमक केयर के बारे के अंदर, स्टोमक कलर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला आता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेड पिंक कलर दिख रहा है, ठीक है, या फिर ब्रिक रेड कलर, ये आपके एंकलक्स में दे रखे हैं ये वाला टर्म्स। तो रेड पिंक कलर दिख रहा है या फिर ब्रिक रेड कलर दिख रहा है या फिर ब्राइट रेड कलर दिख रहा है, कुछ भी लैंग्वेज आ सकती है, ब्राइट रेड कलर दिख रहा है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? तो आपको क्या करना है सर, ये इंडिकेट करता है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल है, तो आपको क्या करना है, ये क्या है आपके लिए नॉर्मल फाइंडिंग है, एंड नॉर्मल फाइंडिंग है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ऑप्शन में बहुत सारे लिखे आते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, कोलोस्टोमी बैग को चेंज करेगी या वहाँ पे इरिगेशन करेगी। तो आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ये आपको देखना है ये स्टोमा को। फिर सेकेंड आता है यहाँ पे कि सर ये तो हमने देख लिया, अगर आपके पास स्टोमा का कलर पेल पिंक कलर आ जाए तब क्या करना है? तो मुझे जनाब एक बात बताइए, आपने एनीमिया के साइन पढ़े हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू एनीमिया। अब पर्सन को आपने सर्जरी की है तो ब्लीडिंग तो लॉस होगी ही, ब्लीडिंग लॉस होगी तो पर्सन में स्लाइटली एनीमिया देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पेल पिंक कलर देखने को मिलता है। देन उसके बाद में जो थर्ड आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा, तो आपको क्या करना है उसके अंदर, ध्यान से सुनना हम क्या करेंगे वहां पे जाके। तो जो थर्ड आता है यहाँ पे, अगर मान लीजिए पर्पल ब्लैक कलर ऑफ स्टोमा दिख जाए आपको, पर्पल ब्लैक कलर स्टोमा दिख जाए, ठीक है, पर्पल ब्लैक कलर ऑफ पर्पल ब्लैक कलर ऑफ स्टोमा दिख रहा है, उस कंडीशन में आप किस चीज को फाइंड कर पाओगे, आप क्या आइडिया लगा पाओगे कि इस पर्सन के अंदर क्या हुआ है? तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है वहां पे, ड्यू टू द ये हो रहा है उसको करना है, ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड, ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सर्कुलेशन।
मतलब कि पर्सन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वहां पे, ब्लड सप्लाई हो रही थी, वो इफेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे इस्कीमिया नेक्रोसिस डेवलप होने के चांसेस होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि आपको क्या करना है, यहां पे हेल्थ केयर को नोटिफाई करना है, ठीक है। हेल्थ केयर को आप नोटिफाई करोगे कि सर इस पर्सन को पर्पल ब्लैक कलर का स्टोमा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से, यहां तक समझ आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये वाले हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, आपने सर्जरी तो परफॉर्म कर दी सर, तो अब हम क्या करें, तो अब देखिएगा जब पर्सन पोस्ट ऑपरेटिवली जाता है, यहाँ पे पर्सन पोस्ट ऑपरेटिवली है, आप सब ये जो बातें कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिव की बातें कर रहे हैं, तो एक बात बताइए, आपने पर्सन को क्या दिया था, एनेस्थीसिया दिया था कि नहीं दिया था? तो आफ्टर कोलोस्टोमी फास्ट 24 आवर्स पर्सन को आपको क्या देना है, गिव आईवी फ्लूड। पर्सन को क्या देना है, आपको आईवी फ्लूड देना है, ठीक है। और क्या करना है, देन उसके बाद में क्यों दे रहे हो आप, क्योंकि पर्सन के अंदर भी बावल साउंड एब्सेंट है, और पर्सन को आपने एक वहाँ से फ्लूड वगैरह भी लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए आप पर्सन को आईवी फ्लूड दे रहे हो। फिर 24 to 48 hours तो यहाँ पे पर्सन के अंदर आपको देना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले तो हाइपो एक्टिव बाउल साउंड प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, क्यों होंगे, ड्यू टू एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब कि आपकी वहाँ की जो मसल्स वगैरह सब रिलैक्स होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के अंदर बाउल साउंड भी अफेक्ट होंगे, मतलब कि बाउल साउंड प्रेजेंट नहीं होंगे। तो ये बाउल साउंड कब आते हैं आपके, 48 to 72 hours आपके बाउल साउंड आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी इसी के लिए बात करते हैं। तो ऐसे पर्सन के अंदर आपको 24 to 48 hours के लिए पर्सन को क्या देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है, हाई फाइबर डाइट देनी है। कन्फ्यूजन हो रहा होगा माइंड के अंदर कि सर हाई फाइबर डाइट क्यों, तो डायरिया कुछ करेगी भाई साहब, जो आपने दिया है वो आपने क्या दिया है, पर्सन को कोलोस्टोमी की है, हाई फाइबर डाइट। अब बावल को तो क्लीन करना है ना यार, बावल को तो क्लीन कैसे करोगे जब आप हाई फाइबर डाइट दोगे, तो हाई फाइबर डाइट क्यों करनी है आपके, वहाँ पे वे सब चीज़ें क्लीन करने के काम आएंगी, ठीक है। बावल को क्लीन करने के काम आएंगी आपकी होती है हाई फाइबर डाइट्स, ठीक है। देन तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पर्सन की बाउल को क्लीन करने के लिए आपको क्या देंगे, हाई फाइबर डाइट देंगे। एंड जब फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर 48 to 72 hours इफ बाउल साउंड आर प्रेजेंट, तो आपको क्या देना है यहाँ पे, फिर लो फाइबर, लो फाइबर डाइट देंगे, लो फाइबर डाइट देंगे, क्योंकि आपको किससे प्रिवेंट करना है, डायरिया से प्रिवेंट करना है। ऑलरेडी वहाँ पे बाउल साउंड है, ज़्यादा स्टूल को पास आउट करने की कोशिश करेंगे, तो आप पर्सन को क्या दे दीजिएगा, लो फाइबर डाइट दे दीजिएगा, ताकि पर्सन के अंदर डायरिया ना हो, टू प्रिवेंट डायरिया, लिख दीजिएगा टू प्रिवेंट डायरिया, ठीक है, टू प्रिवेंट डायरिया। तो आपको किसको प्रिवेंट करना है, डायरिया को प्रिवेंट करना है। दो बातें इंपॉर्टेंट आती हैं यहाँ से, उनको ध्यान से सुनिएगा, कि अगर पर्सन के अंदर विद इन 72 आवर्स पर्सन के स्टोमा से फाउल या मेड्रेनियस स्मेलिंग आ रही है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बात से। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट तो कन्फ्यूज ही होंगे मुझे पता है, तो आपको देखिएगा, बता देता हूँ क्या करना है, इफ फाउल एंड मेड्रेनियस स्मेलिंग, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको इजीली याद रह जाए, फर्स्ट 72 आवर्स फाउल या फिर मेड्रेलियस स्मेलिंग कम फ्रॉम
स्टोमा इंडिकेट नॉर्मल फाइंडिंग, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्यों? सुनिएगा ध्यान से। आपने बावल, जो बावल को क्या किया आपने, स्टोमा बनाया है, तो बावल में स्टोमा बनाया है आपने, तो यार एक बात बताइए, वो तो पहले से ये कंटामिनेटेड एरिया है, तो वहाँ से तो वाजिब बात है बिल्कुल वहाँ से आना कि फाउल स्मेलिंग आना वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। तो फर्स्ट 72 आवर्स में नॉर्मल है, लेकिन अगर आफ्टर 72 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स अगर फाउल या मेड्रेलियस स्मेलिंग आ रही है, जब मेड्रेलियस स्मेल आ रही है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे उस कंडीशन में, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड आफ्टर 72 आवर्स इफ बाउल साउंड आर एब्सेंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आफ्टर 72 आवर्स बाउल साउंड आनी चाहिए, अगर एब्सेंट है तो ये भी सेम ही होगा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिएगा उस कंडीशन में। तो बताओ क्लियर यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर है ना? तो ये आपका होता है कोलोस्टोमी, एंड जो इसकी केयर होती है वो सब समझाइए मैंने। इरीगेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ के लिए अगर कोई डाउट होता है पूछ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके जो डायग्राम है सब मैंने दिखाए हैं, डायग्राम में देख लीजिएगा, स्टोमा का डायग्राम है, वेफर का डायग्राम है, कोलोस्टोमी बैग का डायग्राम है, एंड इरीगेशन कैसे करते हैं वो कल देखेंगे। साइट मैंने दिखा दी आपको। सो अगर यहाँ पे आपको कुछ लगे कि सर से पूछना चाहिए, भेजिए कॉल एंड मैसेज, ठीक है, हम मैं बता दूंगा बिल्कुल। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आपने इतना टाइम दिया, इसी तरीके से आपका प्यार एंड सपोर्ट, एंड माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा साउंड है, ठीक है, एक्स्ट्रा साउंड की वजह से माफ़ी चाहूँगा, लेकिन थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।